कि हमने शुरुआत में जब आपको पता है कि रेडियस ऑर्बिट्स की रेडियस निकाली थी, जो कि एक ऑर्बिट की रेडियस कितनी आई थी, बोर ऑर्बिट जो बनी थी उसकी रेडियस कितनी आई थी, उसकी आई थी 0.529 n² / z एंगस्ट्रम, यही तो आई थी। क्या आई थी रेडियस, बोलो, हमारी रेडियस आई थी 0.529 n² / z एंगस्ट्रम। अब सुनो मेरी बात, हमने वहां पर क्या एक असम्पशन माना था, कि हमने ये माना था कि एटम जो न्यूक्लियस है उसका मास क्या है, बहुत बड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉन से है, इसलिए हम ये मान लेते थे कि जो न्यूक्लियस है वो चल नहीं रहा है, ओनली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड। वो क्यों कर रहा था, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास दोनों का था वो न्यूक्लियस के अंदर चला गया था, और जिससे हम ये मान सकते थे कि न्यूक्लियस रेस्ट पे है और कौन चल रहा है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है। बट इन रियलिटी क्या होता है कि न्यूक्लियस भी चल रहा होता है और इलेक्ट्रॉन भी चल रहा होता है। और अगर मैं कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास अगर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में है, तो हम ये मान सकते हैं कि दोनों ही चल रहे हैं। और जब दोनों ही चलेंगे तो होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए ये मास है कुछ, इसको कुछ अलग अलग मास मान लेते हैं, कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास, ये न्यूक्लियस का मास जिसमें जेड ही इसका चार्ज हो जाएगा, और इसका मास मान लीजिए आप कुछ एम न्यूक्लियस, ठीक है ना, एम न्यूक्लियस मास, और ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है जिसका मास आप एम ही ले लीजिए, इस पर चार्ज क्या होता है, माइनस ही, ठीक है ना। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो आर मान लीजिए, और मान लीजिए कि सेंटर ऑफ मास दोनों का यहाँ पे है, इससे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की आर वन है, और इससे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास की मान लीजिए आर टू है। ऐसे अगर मैं मान के चलूं, और ये मान के चलूं कि ये दोनों ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करेंगे, और ऑब्वियस है कि अगर दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो चल दोनों ही रही होती हैं, और दोनों ही घूम रही होती हैं, किसके अराउंड, सेंटर ऑफ मास के अराउंड। अगर मैं सन और अर्थ की बात करूं तो सन भी घूम रहा है, एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, सन भी चल रहा है और अर्थ भी चल रही है, और ये दोनों ही एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहे हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटर ऑफ मास में थोड़ा सा फील आ सकता है कि दोनों ही घूम रहे हैं, और किसके अबाउट घूम रहे हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे घूम रहे हैं। देखो मैं बताता हूं आपको कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो ऐसे, सुनो ध्यान से समझो, आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार बताता हूं दोबारा सुनो, ये है, ये कौन है, मान लीजिए न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसे घूम रहा है, ध्यान से सुनो, ये ऐसे घूम रहा है, समझ आ रही है, ये बेसिकली देखो ध्यान से समझो, ये ऐसे घूम रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इक्वल है, वो चेंज नहीं होती, ये छोटी रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, कौन, न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन बड़ी रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। तो अगर बात करूं तो न्यूक्लियस तो ऐसे घूम रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ऐसे घूम रहा है, और हमेशा दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होती है ना वो आर के इक्वल होती है, स्मॉल आर के इक्वल रियलिटी में, और इस ये होता है कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, लिख लीजिए कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड मास, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बोलूं, आपको पता ही है दो मासेस m1 m2, मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, और इन दोनों का मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहां है, इससे r1 डिस्टेंस पे
इससे r2 डिस्टेंस पे, तो r1 की वैल्यू कितनी होती है? अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है तो r1 की वैल्यू कितनी होती है, कोई बताएगा? r1 की वैल्यू होती है m2 r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 की वैल्यू होती है m1 r अपॉन m1 प्लस m2। नहीं पता तो सेंटर ऑफ मास खोल के आप देख लीजिए, इसे ज़्यादा मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में, बात करूँ इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो क्या लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में? मैं लिखूंगा के जेड स्क्वायर अपॉन के जेड स्क्वायर अपॉन आर आर के जेड स्क्वायर अपॉन, ध्यान से सुनिएगा, ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स होगा ऐसे, और ये कितना होगा के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि ये सर्कल में घूम रहा है, और कितनी रेडियस के सर्कल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन? इतनी रेडियस के सर्कल में, वो कितना होगा? एम आई इसकी स्पीड का स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, समझ आ रही है? तो इसको मैं लिखूंगा एम आई वी स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर, और ये वी किसका है, किसकी स्पीड है? ये है हमारी इलेक्ट्रॉन की स्पीड। बट एक और बात, इसको मैं v के फॉर्म में नहीं ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे, क्यों? क्योंकि v दोनों की स्पीड दोनों की अलग अलग होंगी, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की। बट इफ आई टॉक अबाउट ओमेगा, तो ओमेगा दोनों का सेम होगा, समझ आ रही है? ओमेगा दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा इन दिस पर्टिकुलर केस। ओमेगा क्यों सेम रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, देखो ऐसे दोनों चल रहे हैं, दोनों ही उस पॉइंट के अबाउट। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन किसी टाइम पे यहां होगा, तो जो न्यूक्लियस है वो किसी टाइम पे यहां होगा, मतलब जितने टाइम में ये थीटा एंगल ट्रेवल कर देगा, उतने ही टाइम में ये भी थीटा एंगल ट्रेवल कर चुका होगा, तो थीटा बाई टी दोनों का इक्वल होगा, तो कह सकते हैं ओमेगा दोनों के लिए इक्वल होगा। इसलिए अगर यहां पे वी के फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का स्पीड, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये ना लिखते हुए मैं आपको बता दूं क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को, एम ओमेगा स्क्वायर आर के फॉर्म में, क्या? एम ए ओमेगा स्क्वायर आर, और आर कौन सी? आर टू, ओमेगा स्क्वायर आर टू, तो इसको लिखेंगे एम ई ओमेगा स्क्वायर आर टू, समझ आ रही है? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या होती है? सेकंड होती है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ध्यान रहे एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई कब होता था? एम वी आर क्या होता था? एंगुलर मोमेंटम, बट वो कब होता था? अरे बोलो, एम वी आर एंगुलर, नेट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, लेकिन वहां पे क्या रखते थे? एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, क्यों? क्योंकि हम न्यूक्लियस को रेस्ट पे मानते थे, बट यहां पे रेस्ट पे नहीं मान सकते न्यूक्लियस को, इसलिए हमको जो सेकंड पोस्टुलेट है उसको लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, सिस्टम में क्या है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। बट द थिंग इज कि अगर मैं पैरेलल उसी चीज को चला लूं, पैरेलल किस चीज को, जो वहां पर रेस्ट पे हमने इलेक्ट्रॉन माना था, ये मान लीजिए न्यूक्लियस और ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, और ये ऐसे घूमेगा आर दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो यहां पे क्या लिखते थे के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या लिखते थे? लिखते थे अगर ओमेगा के फॉर्म में लिखें तो एम ई ओमेगा स्क्वायर आर, यही तो लिखूंगा, अरे कोई शक है कि हाँ नहीं ना? और एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो कि अगर यही चल रहा है ओनली, इलेक्ट्रॉन चल रहा है ओनली, तो एंगुलर मोमेंटम क्या लिखूंगा, क्या लिखता था वहां पे मैं? एम वी आर, एम वी आर और इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। बट द थिंग इज कि यहां पे चलने वाले कौन कौन है? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, तो हमको एंगुलर मोमेंटम दोनों का लिखना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा होता है, तो आई नेट इनटू ओमेगा लिख दो, और इसका आई लिखो इलेक्ट्रॉन का, तो इसका हो जाएगा एम ई आर टू स्क्वायर, और न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा एम एन आर वन स्क्वायर इनटू ओमेगा इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, समझ आ रही है? अगर मैं आर वन आर टू की वैल्यू देखूं फॉर दीज केसेस, तो हम आर वन की वैल्यू लिख सकते हैं, R1 ये है किससे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस, तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है R1, उसको लिखेंगे
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ न्यूक्लियस, और आर टू लिखेंगे हम मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू आर अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ, समझ आ रही है? अगर इन दोनों वैल्यूज को हमने यहाँ पे रखा तो देखो क्या आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय आर टू स्क्वायर, आर टू कितना है एम एन स्क्वायर, एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम ई प्लस एम एन स्क्वायर, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या आएगा बोलो, यहाँ पे आएगा एक्चुअली एम ई को मल्टीप्लाई करी लो ब्रैकेट में साथ में, ठीक है, एम ई इंटू एम एन स्क्वायर आर स्क्वायर, देखो आर टू की वैल्यू रखती है यहाँ पे, और प्लस में क्या आएगा बोलो, प्लस में आएगा एम एन एम ई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम ई प्लस एम एन का स्क्वायर, ठीक है? इसमें से ध्यान से देखो ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, ऊपर से कॉमन आएगा एम ई एम एन, एम ई एम एन आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और नीचे से क्या कॉमन आएगा, नीचे से जो कॉमन आ जाएगा वो ठीक है एलसीएम ले लेते हैं क्योंकि ये सेम है, तो एम ई प्लस एम एन इसका स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या बचेगा, यहां पे बचेगा एम एन और यहां पे बचेगा एम ई, तो इससे एक ये कट जाएगा और ये ओमेगा बचेगा ही, ठीक है ना, आई ओमेगा इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। अब ये देखो ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है एम ई एम एन, एम ई एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन इंटू ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये आ रहा है। अरे कोई शक है क्या इसमें, कैलकुलेशन ही की है, ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है, इस इक्वेशन को देखो, इसमें अगर मैं आर टू की वैल्यू रखूं तो क्या आएगा, देखो के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम ई, आर टू की वैल्यू एम एन आर अपॉन एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन, अरे एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन इंटू आर इंटू आर, ठीक है, और ओमेगा स्क्वायर भी है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं इस क्वांटिटी को म्यू ले लूं, इसको क्या ले लूं म्यू, मतलब म्यू क्या मान लो एम ई एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, क्या बोलते हैं रिड्यूस्ड मास, ठीक है, अगर इसको म्यू ले लूं तो देखो क्या बनेगी इक्वेशन, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू म्यू ओमेगा स्क्वायर आर, फर्स्ट इक्वेशन, समझ आ रही है? और इस इक्वेशन में भी म्यू इसको रख दूं तो ये इक्वेशन बनेगी म्यू ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ध्यान से समझिए, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं, एंगुलर मोमेंटम को मैं आई ओमेगा भी तो लिख सकता हूं यहां पे, आई ओमेगा, समझ आ रही है, और इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, आई क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन ही दौड़ रहा है ये दौड़ नहीं रहा है, तो इसके लिए लिख सकता हूं आई एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, समझ आ रही है? अगर इस इक्वेशन को, इसको सेकेंड इसको फर्स्ट मानूं, इसको और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो हमने क्या निकाला था, स्पीड की वैल्यू निकाली थी और किसकी, रेडियस की वैल्यू निकाली थी, इसमें रेडियस की वैल्यू क्या निकाली थी ध्यान से बताइए, रेडियस की प्रॉपर पूरी वैल्यू मैं लिख रहा हूं, पूरी प्रॉपर वैल्यू, और आपको एक चीज बताई थी मैंने, शायद आपको पता हो, जब रेडियस निकाला था तो मैंने बताया था कि रेडियस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो रेडियस निकाली थी जेड, ये आया था या नहीं आया था? अगर मैं यहां पर करूं, ध्यान से समझिएगा, इन दो इक्वेशंस में, इसमें और इसमें, और इन दो इक्वेशंस में डिफरेंस क्या है, यहां पे एम आई है तो यहां पे क्या है म्यू है, यहां पे एम आई है, एम आई है इलेक्ट्रॉन ऑफ मास, यहां पे म्यू है, और वैसे दोनों इक्वेशंस क्या है सेम है, तो यहां पे भी अगर इन दोनों को सॉल्व करके मैं रेडियस की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो क्या निकलेगी,
एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर, एम ई की जगह बस म्यू होगा और सेम होगी सारी चीजें, के ई स्क्वायर, समझ आ रही है, के ई स्क्वायर एन स्क्वायर, ये एन है, ये ध्यान रहे क्या है, एन है, तो एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये आएगी या नहीं आएगी? अरे बताया है, इसमें इन दो इक्वेशन से सॉल्व करके ये निकल रहा था, तो इन दो इक्वेशन से सॉल्व होकर ये निकलना चाहिए, क्योंकि बस ओनली डिफरेंस जो है वो क्या है, एम ई का है, समझ आ रही है, वहां पे एम ही है तो यहाँ पे क्या है, म्यू है, समझे? तो हम ये कह सकते हैं सिंपल, इससे देखो कैसे वैल्यू निकालेंगे, कि अगर मैं इस म्यू को बाहर यहाँ पे रखूं, देखो म्यू को यहाँ रख दिया मैंने, म्यू को यहाँ रख दिया, अरे कोई टेंशन नहीं ना, यहाँ पे एक एम ई लगा दिया मैंने और यहाँ पे एक एम ई का मल्टीप्लाई कर दिया, अरे कोई शक है क्या, अरे एम ई से एम ई कट जाएगा, म्यू की जगह म्यू, सेम ही चीज है। इस चीज की वैल्यू वहां पर कितनी आई थी, इस चीज की वैल्यू आई थी 0.529 n स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम, बट यहां पे एक और टर्म आ जाएगी, एम ई बाई म्यू एंगस्ट्रम, समझो ध्यान से, यहां पे जो रेडियस आई है r की वैल्यू, r क्या है, r इज द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आई है वो यहां पे कितनी आई है, यहां पे ये डिफरेंस आया है ओनली। अगर मैं कहूं कि यहां पे म्यू की जगह एम ई कर दूं ओनली, म्यू की जगह एम ई कब पॉसिबल है, म्यू की जगह ओनली एम ई कब पॉसिबल है, जब हम न्यूक्लियस के मास को बहुत बहुत बड़ा मान लें विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन के मास, जब बहुत बहुत बड़ा मान सकते हैं, देखो एम एन यहां से नीचे से कॉमन लोगे तो यहां पे वन और ये अपॉन एम एन और ऊपर से एम एन और नीचे से एम एन कट जाएगा, यहां पे एम ई अपॉन एम एन और ऊपर कितना एम ई, और एम एन अगर बहुत बहुत बड़ा है एम ई से तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, यहां पे वन तो म्यू की वैल्यू वन एम ई के इक्वल आ जाएगी, म्यू की वैल्यू कितने के, एम ई के इक्वल। अगर एम ई बहुत छोटा छोटा है किससे, एम एन से, देन हम म्यू की वैल्यू को एम ई के इक्वल लिख सकते हैं और तब हम ये मान सकते हैं कि ये न्यूक्लियस को रेस्ट पे मान सकते हैं, तब हम ये मान सकते हैं कि जो रेडियस होगी वो क्या हो जाएगी, जो पहले हमारी ये वैल्यू आ रही थी, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी जो निकली थी वो कितनी 0.529 एंगस्ट्रम निकली थी ना, और एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम, समझ आ रही है, यहां पे बस हमने क्या अंतर किया है, समझ में आ रहा होगा आपको। ऐसे ही अगर मैं स्पीड की बात करूं तो स्पीड में भी ऐसे ही देख सकते हैं, हम स्पीड में हम क्या देख सकते हैं कि स्पीड में भी एम ई क्या है, कैसे आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करें तो एम ई का स्पीड से क्या फर्क पड़ेगा वो समझें, तो एम ई का कोई स्पीड से फर्क, देखते हैं क्या क्या पड़ता है, पहले ये लिखिए, समझ आ रही है। तो जो स्पीड हमने निकाली थी उसमें आप देखिए कि स्पीड में के फॉर्मूले में जो वी वी इक्वल टू स्पीड जो आ रही थी वो समथिंग समथिंग जेड बाई एन आ रहा था ना स्पीड के फॉर्मूले में, तो जो समथिंग आ रहा था ना वहां पे, उसमें एम ई की कोई टर्म नहीं आ रही थी, आपको याद हो तो, नहीं याद है तो पीछे रिवाइज करके देखिए, यहां पे एम ई की कोई टर्म नहीं आ रही थी, इसका मतलब जो स्पीड है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट ही नहीं थी यहां पे, इसके लिए जो स्पीड तो क्या सीधी लिख सकते हैं इसमें सेम 2.18 × 10⁶ Z/N मीटर पर सेकंड, ठीक है ना, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है उसे छोड़ो, दूसरी बात करते हैं, और दूसरी बात वो ये करेंगे कि अगर हम ये कहें कि एनर्जी के बारे में बात करें, तो जो एनर्जी यहां पे कैलकुलेट होके आ रही थी शायद आपको पता हो, तो एनर्जी कैलकुलेट होके आ रही थी, मैं लिख देता हूं एनर्जी, एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी जो हमारी कैलकुलेट होके आ रही थी, जिसकी फाइनल वैल्यू निकलती है −13.6 Z²/N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसकी बात मैं कर रहा हूं, तो उसकी वैल्यू निकल के आ रही थी Z²/N², ये वैल्यू आ रही थी इन दिस पर्टिकुलर केस। यहां पे डिफरेंस क्या होगा, बस ओनली यहां पे एम ई की जगह पे यहां पे क्या होगा, म्यू होगा, और जब एम ई की जगह म्यू होगा तो क्या कर सकते हैं, देखो तो जो ई है ना ई, उसको लिख सकते हैं −2k²E4π² ME, एम ई की जगह यहां पे क्या होगा कैलकुलेट करेंगे तो म्यू होगा अपॉन
एच स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है ना। यहां पे अगर हम यहां पे एम ई रखते हैं और यहां पे म्यू रखते हैं और अपॉन एम ई का डिवाइड कर दें, तो ये जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी, -13.6 आने वाली है। तो ई जो लिखेंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर म्यू अपॉन एम ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो टोटल एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट हो गया। अगर न्यूक्लियस चल रहा है या फिर आपको ऐसा दे रखा है कि मास ऑफ द न्यूक्लियस या फिर ऐसा कुछ दे रखा है कि 2m मास का एक पॉजिटिव चार्ज है और m मास का एक नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के अराउंड चक्कर लगा रहा है, क्या दे रखा है आपको, 2m मास किसका दे रखा है, पॉजिटिव चार्ज का, और m मास दे रखा है आपको नेगेटिव चार्ज का, और ऐसे बोल दिया कि मास 2m के अराउंड कौन चक्कर लगा रहा है, m मास का नेगेटिव चार्ज, समझ आ रही है। उस केस में आपको रिड्यूस मास कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, उस केस में आप बिल्कुल भी ये नहीं मान सकते हो कि मास ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज नेग्लेजिबल विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बिल्कुल नहीं मान सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर कंपेरेबल मास होता है नेगेटिव चार्ज का, तो उस केस में आपको रिड्यूस्ड मास कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। उस केस में अगर आपको सेपरेशन देखना है दोनों के बीच में, किसके बीच में, दोनों पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन निकालना है और वो आर निकालना है, तो वहां पे आपको एम ई की जगह एम रखना पड़ेगा और म्यू की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, वो निकालना पड़ेगा आपको कि एम इंटू 2m अपॉन 3m, समझ आ रही है। तो म्यू की जगह पे आप क्या रखोगे, 2/3m, ऐसा कुछ रख के आपको निकालना पड़ेगा। 2/3m यहाँ पे रखोगे और m यहाँ पे रखोगे, ठीक है ना। सो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस, समझ आ रही, बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। पर अगर ऐसा कुछ दे रखा है जिसमें कि आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस जो नॉर्मल न्यूक्लियस दे रखा है आपको हाइड्रोजन का या फिर हीलियम का, तो उस केस में आप क्या है नेगलेक्ट कर सकते हो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से द ये मान सकते हैं कि उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, किसका, न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस रेस्ट पे मान सकते हैं उसमें, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन टॉक अबाउट दिस, ठीक है। एटॉमिक कोलिजन की बात करेंगे अब हम, लिखिए।